सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हो ये आनंद विहार से आरआरटीएस आ रही है चल के अंडरग्राउंड। अब ये वैशाली मेट्रो स्टेशन के सामने ये ऊपर आ जाएगी और ऊपर से फिर ये एलिवेटेड हो जाएगी आगे से कंट्री इनसे पहले दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है पर डे और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और प्रियोरिटी सेक्शन जो है इसका वो स्टार्ट हो जाएगा साहिबाबाद से लेकर और दुहाई के बीच में प्रियोरिटी सेक्शन है, 17 किलोमीटर का पार्ट है। उसमें अगली साल मार्च में आपको बता दूं रैपिड रेल दौड़नी स्टार्ट हो जाएगी, इसका ट्रायल रन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और ये आपको बता दूं ये फुट ओवर ब्रिज है वैशाली मेट्रो स्टेशन का, यानी कि ब्लू लाइन का दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस इंजॉय करो। और आज आप लोगों को पूरा रूट यहाँ से दिखाने वाले हैं, साहिबाबाद स्टेशन तक आप लोगों को लेके चलेंगे। और साहिबाबाद स्टेशन पर क्या कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है इस टाइम पर, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। चलिए इंजॉय। ये पिलर बनाए जा रहे हैं आरआरटीएस के, इस पर फाउंडेशन किया जाएगा अभी। अब फाउंडेशन करने के बाद में फिर इस पर पिलर खड़ा किया जाएगा, फिर इस पर ऊपर ऐसे इस तरीके से चढ़ जाएगी रैपिड रेल दोस्तों। तो ये बनाई जा रही है टनल दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये है टनल और ऐसे ये आनंद विहार से ये निकलेगी उधर से, और इस तरीके से ऐसे देखो ये पिलर है और आगे ये निकल जाएगी उस तरह उस साइड में, और ये चढ़ जाएगी उस पर, एलिवेटेड हो जाएगी दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो। ये देखो टीम वर्क करते हुए, ये वो जेसीबी लगा हुआ और वहाँ से ये एलिवेटेड होती चली जाएगी दोस्तों। ये देख सकते हो कुछ ऐसा बनाया है, ये पिलर यहाँ पर दिया है और बस यही है सीन यहाँ का। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। दोस्तों यहाँ से ये एलिवेटेड हो जाती है, तो आगे पड़ेगा आपको बता दूं साहिबाबाद का स्टेशन, तो उस पर दिखाते हैं चल के कितना कुछ वर्क हो चुका है कंप्लीट। तो देख सकते हैं इधर अभी ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जा चुके हैं, उनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट नहीं लगाया गया अभी। पहले ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, फिर उसके बाद में ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों। इस पर देखो रेलिंग भी लगा दी जा चुकी है दोस्तों, इधर तो रेलिंग लगा दी जा चुकी है और इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जा चुके हैं। अभी इस पर लाइन बिछाई जा रही है, यानी कि ट्रैक स्लैब बिछाने का जो वर्क है वो चल रहा है अभी इस टाइम पे।
और गाइस ये आ चुका है साहिबाबाद रेड लाइट और साहिबाबाद मंडी जो कि फल मंडी भी है सब्जी मंडी भी है दोस्तों, ये मेरे लेफ्ट हैंड पे और वहीं की ये रेड लाइट है, तस्वीरें देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर डे देखते रहो। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो आगे आने वाला है अभी साहिबाबाद का RRTS का स्टेशन, उस पर कितना कुछ वर्क हो चुका है कंप्लीट, कितना बचा है बाकी, तो वो आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। तो बने रहो वीडियो के साथ में और इन्जॉय करो, मिलते हैं आपसे आगे चल के। चलो तो पहले आपको इधर से देख लो आप सभी, इधर देख सकते हो आप सब वो स्टेयर बनाए जा रहे हैं और उस पर सनरूफ का काम चल रहा है और एक्सीलेटर भी उन्होंने लगा दिया है और इधर अभी फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। तो ये है RRTS का स्टेशन साहिबाबाद दोस्तों। तो आगे दिखाते हैं आपको आगे क्या वर्क चल रहा है वो भी आप लोग देख लो, गाड़ी को आगे लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी बंद करके। चलो मैं निकलता हूँ बाहर, दिखाता हूँ आप सभी को दोस्तों। फोटोवर ब्रिज को जोड़ा जाएगा इसको, यहाँ से ये जोड़ दिया जाएगा और ये बनाई जा रही है एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का काम चल रहा है इस पर। तो अभी इस पर स्टेयर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हो, और आगे मैं दिखाता हूँ चल के। तो उस पर उधर काम चल रहा है अभी बता दूँ कि इसके सनरूफ का क्यों नहीं है पता भी है मैं कहाँ से हूँ, पहले गाड़ी पर देखो क्या लिखा है, देखो ये बन रहा है ठीक है दोस्तों। और इधर और इस पर ये लगाया जा रहा है अभी इस टाइम पे दोस्तों, ये देखो इसके जो बाहर से बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो मैं अभी आपको सामने से दिखाऊंगा। तो इस पर क्या क्या वर्क चल रहा है इस टाइम पे वो आप लोग देख लो दोस्तों। देखो ये स्टेयर बनाए जा रहे हैं और उस साइड में वो लिफ्ट का स्टैंड किया जा रहा है दोस्तों ठीक है, और उधर तो वो एंट्री एग्जिट पॉइंट एक वो है और एक उधर आगे बनाया जाएगा शायद कुछ, ये है सीन यहाँ का देखो दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है इसका डिज़ाइन, ये डिज़ाइन बनाने का काम चल रहा है दोस्तों, और इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है और इस पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर भी अभी लगाए जा रहे हैं तेज़ी के साथ में, इस पर वर्क चल रहा है, तस्वीरें देख सकते हो। ये देखो ये वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर, ये देख सकते हो ये बनाया जा रहा है स्टेशन, कुछ यही सीन है यहाँ का दोस्तों। तो आप लोग बताना, ये देख तो यही वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे,
और तो ज़्यादा नहीं चल रहा, स्टेयर भी बना दिए जा चुके हैं और इस पर, और वो आपको बता दूँ एक्सीलेटर भी उधर लगा दिए हैं उन्होंने, तो यही वर्क चल रहा है फैजाबाद के स्टेशन पर। जल्दी ही ये बन के स्टार्ट हो जाएगा और ये मार्च में इस पर रैपिड रेल चला दी जाएगी दोस्तों। तो देख सकते हैं वो लगाए जा रहे हैं अभी। यही वर्क है अभी, और यहाँ पर ये पिलर को आपको पिलर कैप बना दिया है। अब इस पर ये पियर कैप बनाना बाकी रह गया, ये पियर कैप बनाया जाएगा, ये बन गया है। अब फिर इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों स्टेशन पर, ठीक है। तो यही वर्क है यहाँ का, तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी इस टाइम पर, JCB लगा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हो। तो यही वर्क चल रहा है इस टाइम पर, ये देखो। और उधर वो स्टेयर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, तो यही वर्क है, ठीक है। तो चलो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा। ये फैजाबाद का स्टेशन है दोस्तों। इधर देखो सारी लाइन क्लियर कर दी जा चुकी है दोस्तों। तो इस पे ट्रायल रन अभी स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये चला जाता है वसुंधरा होते हुए सीधा नए गाजियाबाद में निकलेगा, नए बस अड्डे गाजियाबाद में।